हेलो गाइस स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के पीरियड में सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए हम एक एफर्ट कर रहे हैं कि कुछ आपको जो टिप्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए दी जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको जो आपका सिलेबस है वो बताने जा रहे हैं। तो क्लास 12 मैथ के सिलेबस में आपके कुल मिला के 30 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का, रिलेशन फंक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ये उसके जैसे ही है। जहाँ पर आपने उसमें पढ़ा था रिलेशंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ये इसमें डिस्कस किया जाएगा। सेकंड चैप्टर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, ये उसी का इनवर्स फॉर्म होगा जो आपको पढ़ने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, करने में मज़ा आएगा। थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस है और फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट्स है, ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है लेकिन बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इन दोनों को हम एलजेब्राज में काउंट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर आपका कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का, तो कॉन्टीन्यूटी भी आपको बता दें, जो आपने लिमिट के क्वेश्चंस किए थे क्लास 11 में उन्हीं के ऊपर ही है, उनके बेसिस पर ही है। डिफरेंशिएशन आपने किया ही था, तो कुछ डिफरेंशिएशन के टाइप्स आपने थे, तो दो चार टाइप्स आपको यहाँ पर पढ़ने को और आगे मिलेंगे। इसके बाद है सिक्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम कहाँ पर इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। सेवन चैप्टर आपका इंटीग्रेशन का होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और काफ़ी लेंथी भी होगा ये बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में। एट चैप्टर आपका एप्लीकेशन इंटीग्रल्स का है, जो कि इंटीग्रेशन के बेसिस पर होगा, इसमें बताया जाएगा कि इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम किस तरीके से क्लोज फिगर्स का एरियाज या दो फिगर्स बाउंड्रीज के एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पर ही बेस्ड होगा, और ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फिफ्थ चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर तक जो पूरा टॉपिक्स है वो आपकी कैलकुलस में हम इन सबको इंक्लूड करते हैं। और कैलकुलस लगभग आपके 44 मार्क्स के आसपास की आती है, अगर हम पिछले अगर लास्ट टू ईयर्स को अगर मतलब लास्ट ईयर को इंक्लूड ना करें तो। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, शायद आपने वेक्टर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तो वैसे ही है। 11th चैप्टर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D, जो आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिला था, तो उसमें भी आपको कुछ ऐसे ही आपको 3D से आगे का जो कंटिन्यू फॉर्म है वो आपको यहाँ पढ़ने का मिलेगा। 12th चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो लीनियर इनइक्वालिटी आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, उसी का ही आगे उसको यूज़ करके हम किस तरीके से किसी फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद थर्ड चैप्टर प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था, उसके जैसे ही होगा। तो ये टोटल मिला के 30 चैप्टर्स आपके होंगे जो आपको क्लास 12th में मैथ के अंदर करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और वो आपको बताएंगे इसमें क्या क्या होता है।